बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद का नाम घोषित किया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा हो रही है, कि आकाश आनंद लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बंद बैठक में आकाश आनंद को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपील उनसे की है। अपील की बात लगातार कही जा रही है। पार्टी में इसे लेकर अभी दो अलग अलग मत भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीएसपी के इस वक्त जो सियासी हालात हैं, उसमें अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आकाश आनंद को पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए चुनाव से आकाश आनंद को दूर रखा जाए। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी और उनको जिम्मेदारी देने के लिए सिफारिश की है। पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देकर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको यह भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर बहुजन समाज पार्टी की सियासत में नई जान फूंकने का बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल बीएसपी 2012 के बाद से लगातार अपना नीचे गिरता हुआ ग्राफ देख रही है, सियासी रूप से कमजोर हो रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे। उसके बाद 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का एक बार बड़ा सियासी गठबंधन हुआ तो अनुमान लगाया जाने लगा कि बसपा को ऑक्सीजन मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे वक्त में 17 जनवरी 2019 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी तरीके से सियासत में शामिल करने का ऐलान कर दिया था। मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी आंदोलन से जोड़ने की घोषणा की थी, लोकसभा चुनाव का स्टार प्रचारक घोषित किया था। तय उसी वक्त हो गया था कि बसपा में देर सवेर आकाश आनंद मायावती की जगह लेंगे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तराधिकारी बनाने के बाद क्या आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव लाया जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि बीएसपी की प्रमुख कमजोरियों में एक बड़ी वजह मायावती खुद सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने से दूर होती जा रही है ये भी है। ऐसे में अगर उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकाश आनंद सियासी मैदान में उतरते हैं तो ये पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब मायावती को काशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तब वो अकबरपुर से सांसद थी। उसके बाद 18 सितंबर 2003 को जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई तो तत्काल बाद वो मतलब उस वक्त के बाद फिर से अकबरपुर से वो चुनाव लड़ी और जीती। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी हो सकता हो आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उतार दे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद के उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद और पहले से ही कुछ नेताओं और कुछ लोग लगातार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपस में चर्चा कर रहे थे पहले से ही, हालांकि इस पर सहमति कोई नहीं बनी थी। लेकिन कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक सीट से आने वाले लोकसभा चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाहिए ताकि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। मायावती के सियासी मैदान से चुनाव लड़ने से पूरी तरह दूर होने के बाद एक बड़ा गैप भी अगर आकाश आनंद की वजह से भर जाता है तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा। हालांकि ऐसी किसी भी जानकारी पर न तो पार्टी के पदाधिकारी ने न ही किसी और नेता ने कोई टिप्पणी की है या यूं कहें कि कुछ कहा है। पार्टी के नेताओं में चर्चा इस बात की जरूर हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को मायावती की पारंपरिक सीट अकबरपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर सीट से सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, जहां पर मायावती पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। इसी सीट से आकाश आनंद को चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। दोनों सीटों पर वर्तमान समय में बीएसपी के ही सांसद हैं। दरअसल आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के पीछे मायावती की एक और बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने सियासत में गिरते हुए पार्टी के ग्राफ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को सीटें तो 10 मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत में सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद लगातार होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो पार्टी अपने सबसे बदहाल दौर से गुजर रही थी। अब कभी उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली मायावती पिछले विधानसभा चुनाव में महज एक विधायक के साथ सबसे बुरे दौर में आ गई।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में अच्छा खासा नीचे आ गया है। अब आकाश आनंद का नाम सामने करके पार्टी में एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बीएसपी अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए एक बार फिर से नई योजनाओं को बना रही है। नई योजनाओं में तमाम तरह के फेरबदल और पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं को भी बदलने का बड़ा फरमान जारी हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के मिशन को नीचे तक पहुंचाने में बहुत से नेता नाकाम हो चुके हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसा करके पार्टी न सिर्फ बड़े बदलाव करेगी बल्कि उसके परिणाम भी आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभालने वाले वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी का ग्राफ 2012 से लगातार गिर रहा है। उनका यह भी कहना है कि पार्टी ने इस दौरान रणनीतिक तौर पर कई फेरबदल और कई प्रयोग भी किए हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस बार व्यापक फेरबदल करते हुए युवाओं को तरजीह देने की जो योजना बनाई है वो कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी कारगर होगी, ये लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आकाश आनंद के साथ बीएसपी ये चाहती है कि एक बार फिर पार्टी अपने पुराने हालत में लौट आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।